हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैनल पर तुलसी कॉमिक्स में शालू कालू सीरीज, और इस सीरीज की पहली कॉमिक्स है शालू कालू। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शालू कालू, संपादक प्रमिला जैन, कथानक व चित्रांकन इंदु फीचर्स। शालू और कालू ये नाम है दो बदनसीब इंसानों के, जो इस महंगाई के ज़माने में किसी तरह अपनी खटारा गाड़ी खींच रहे हैं। दोनों एक खस्ता मकान में रहते हैं। दोनों के पास करने को कोई काम नहीं, इसलिए रोज़ाना किसी न किसी पड़ोसी से उधार चाय पत्ती लेते हैं, उसकी चाय बनाकर पीते हैं और निकल पड़ते हैं काम की तलाश में। ऐसे ही एक दिन ज़रूरत है होशियार आदमी की जो कार बेच सके। कालू देख, इस कार शोरूम को कार बेचने के लिए सेल्समैन की ज़रूरत है। तो फिर सोचना कैसा, चल चलकर बात करते हैं। मैंने तुमसे पहले देखा। हाँ जी, पहले देखा। मालिक, अच्छा तो तुम हमारे यहाँ नौकरी जाते हो, क्या तुम्हें कार चलानी आती है? अजी, कार चलाने में तो अपन चैंपियन है, अब तक कई अवार्ड जीत चुका हूँ। और तुम दोनों को भी कार चलानी आती है? नहीं आती। बहुत बढ़िया, वाह क्या बात है, तुम दोनों को रखा जाता है। आए क्या भाई, ये क्या बात हुई, मुझे कार चलानी आती है, फिर आपने इन दोनों जोकरों को क्यों रखा? भाई आज तो कमाल हो गया, सितारे बुलंद हैं अपने। वो इसलिए महाशय कि मुझे इस बात की गारंटी हो गई है कि ये दोनों मेरी कार चुरा कर नहीं भाग पाएंगे, जबकि तुम ऐसा कर सकते थे, क्योंकि तुम कार चलाना जानते हो, समझ गए? अब चलते बनो। आए बड़ा काइया बुड्ढा है। ले भाई कालू, हम कार सेल्समैन बन गए। चल शालू, कोई बात नहीं, कभी कार में तो बैठे नहीं, कार बेच कर ही तसल्ली कर लेंगे। उधर देख, हमारा पहला मुर्गा बकरा ओनो ग्राहक, मैं उसे पटाता हूँ। आप ज़रूर ये कार खरीदना चाहते हैं हुजूर, कालू राम आपकी खिदमत करेगा। हाँ देखो मिस्टर कालू, मैं मजबूत सुंदर टिकाऊ कार चाहता हूँ, आपकी दुकान में है कोई कार? लो जी, अभी कोई पूछने की बात है, यहाँ तो सारी की कारें पक्की हैं। भाप, मैं आपको नमूना दिखाता हूँ। उसे छोड़िए साहब, इधर आइए, इधर पक्की कारें खड़ी हैं। तो क्या उधर की अभी कच्ची हैं? आप इस कार को परखिए हुजूर आला, कितनी प्यारी है, दुलारी है, इसके ज़बरदस्त पहिए, इसका रंग तो लाजवाब है, छूकर देखिए। देखिए बाप रे, हाथ ही चिपक गया है। क्या हुआ इसके कलर को? अबे छोड़, जरा मुझे खींचना साहब, मैं इससे चिपक गया। अच्छा फिर उसे छोड़िए साहब, आपको दूसरी कार दिखाता हूँ। अच्छा तो तुम इस बेडअप कार को मुझे बेचना चाहते हो, मुझे नहीं खरीदनी है कार, समझे? लेकिन मेरी बात तो सुनिए। चुप कालू, तेरे बस का नहीं है इसे कार बेचना, अब मैं ट्राई करती हूँ। नहीं तो चुप रहे, मैं इस नासपीटे को एक कार बेच कर ही छोड़ूंगा। आप इस मॉडल को देखिए जनाब, इधर नज़र डालिए, उसकी तरफ कोई ध्यान मत दीजिए, ये तो बेकार में ही बड़ी बड़ी हाँका करती है। वैसे भी जो कार वो दिखा रही है पूरे शोरूम में सबसे रद्दड़ कार है। वाह, हाँ यही है जिसकी मुझे तलाश थी। वाह क्या बात है, लाजवाब, ज़बरदस्त, खूबसूरत, ऐसी कार मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखी है। देखा कार कैसे बेची जाती है, कुछ होशियारी मुझसे उधार ले ले। हाँ हाँ देखिए तेरी होशियारी, अगर मैं उसे कुछ ना बेच सका तो उसे खरीदने भी नहीं दूंगा, तू देखती जा। लेकिन अभी मेरा कोई पक्का इरादा नहीं है कि मैं कार खरीद ही लूँ। क्यों जी, आप इसे क्यों नहीं खरीदना चाहते? पूरे शोरूम की शान है, तेज़ भागती है, ज़बरदस्त है ये कार। मुझे पक्का यकीन नहीं कि ये तेज़ दौड़ सकेगी, क्या पता इसमें कोई खराबी हो। इसकी चिंता मत करो, आप कार के पहियों के नीचे रोलर देख रहे हो ना, इनसे तुम ये देख सकते हो कि ये कितनी स्पीड से भागेगी। अच्छा हाँ साहब, बूम, लाजवाब, आप स्टार्ट करो, देखें मीटर के अनुसार आप 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार दौड़ा सकते हैं। बूम, अब ये 100 की रफ्तार से जा रही है, क्या आपने नोट किया कितनी प्यारी आवाज़ है इसकी? तुम क्या बक रहे हो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अब इसके बारे में क्या सोचा साहब? मैं कुछ निश्चित नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैंने कई मील कार चलाई लेकिन कार अपनी जगह से एक इंच भी नहीं ली। मेरे ख्याल से तो आप इसमें बैठकर शहर का एक चक्कर ही लगा डालो। वाह क्या आइडिया है, लाजवाब, बाप रे, वाह हाय बड़ी भारी है शालू, कार से बाहर आकर मेरी मदद कर, अभी उतर कर आती हूँ। हाय शालू की बच्ची, मॉडल कम वक्त कार को आगे कर दिया। लल्लू लाल, कम से कम तब तक तो इंतज़ार किया होता जब तक मैं ब्रेक लगाकर नीचे उतरती, धक्का लगा ही जा रहा था तू, तो ऐसा ही होगा। ये लो, ये रही कार की चाबी है, ज़रा राउंड लगाकर जल्दी वापस आना। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम चिंता मत करो, टाटा बाय बाय। हाँ हाँ हाँ, कैसा बुद्धू बनाया। वह तो हमें बुद्धू क्या गया, इसका क्या मतलब हुआ कालू? बुद्धू का मतलब बंदा अकल से पैदल होता है।
हम तो समझदार हैं, फिर वह हमें बुद्धू क्यों कह गया? पता नहीं, जब वापस आएगा तो पूछ लेंगे। मालिक साहब, ये क्या किया कम वक्त तो? वह कार चुरा कर ले भागा। कालू गड़बड़ मा गड़बड़ झाला, वो लफंगा कार चुरा कर ले गया और हमने कार चुराने में उसकी पूरी सहायता की। कुछ कम वक्त चोर के पीछे जाओ, सबसे तेज दौड़ने वाली कार से जल्दी जल्दी करो। जी जी, हम जा रहे हैं मालिक साहब। अरे नहीं, इस नालायकों को तो कार चलानी आती नहीं, उसे पकड़ेंगे कैसे? हाँ ठीक, अब इसे दबा दो, गाड़ी हिल पा गाड़ी चल पड़ेगी। नहीं रुको, कार को मत छेड़ो, मैं पुलिस को फ़ोन करता हूँ, वही इस चोर को पकड़ेंगे। कालू, कार को उल्टा क्यों चला रहा है, आगे की तरफ चला। अरे बाप रे, रुको रोको। अच्छा वो बचाओ, अरे कोई इन कमबख्तों को रोको। हाय शुक्र है, बाल बाल बचा। आगे बढ़ा कालू, कार को आगे बढ़ा। हाँ ऐसे ही कालू, ठीक शाबाश। शू, अरे बाप रे, ये तो मेरे पीछे आ रहा है, जान बचा कर भागू वरना आज मरा समझो। और फिर रोको रोको, आगे से हट जाओ, आगे से हट जाओ। आखिरकार हम आज अपनी कार खरीदेंगे, लेकिन कार चलाने में बड़ा खतरा रहता है। कार चलाना खतरनाक बात है, सुनकर मुझे हंसी आ रही है। कारों के एक्सीडेंट देखकर मैंने ये बात कही थी। अरे बाप रे, ये क्या, भड़ाम, आराम बचाओ। अभी भी कुछ कहना है प्रिय? बड़ा हंस रहे थे। नहीं नहीं कहना जी। बाप रे, कार है या तोप का गोला? उस तरफ चल कालू, वो उधर ही गया है। पी पी पी, बाप रे, ये बंदा बीच रास्ते में खड़ा है। ए भाई, बीच में से हट जाओ, हट जाओ, मैं कहती हूँ पी पी मत कर। लेकिन भाप शू शू हाय। उधर देख, चोर की कार नजर आने लगी। गजब हो गया, वो मेरे पास आते जा रहा है, कार की स्पीड और बढ़ी नहीं रही। मैं इसकी शिकायत वहां करूंगा जहां से मैंने इसे चुराया है। बस अब तो इस दुष्ट चोर को हमने पकड़ा समझो। अबे ओ चोर, रुक जा चोर के बच्चे। अब तो पकड़े गए समझो, भागने से कोई फायदा नहीं। आए तो इतनी जोर से ब्रेक को लगा रहा है, मर गए। और फिर भाग। अरे शालू, तू जिंदा है या मर गई? पता नहीं, अभी तो मुझे खुद की भी नहीं पता कि मैं जिंदा हूं या मर गई हूं। चोर के बच्चे, हमने तुझे पकड़ लिया। पकड़ तो लिया, लेकिन क्या तुम अपनी कार को मेरे पीछे नहीं रोक सकते थे? और हवलदार साहब, वो एक कार लेकर भाग गया, मेरे दो सेल्समैन उसके पीछे गए हैं। पुलिस को तकलीफ देने की जरूरत नहीं, हम चोर को पकड़ लाए हैं। मैंने पुलिस को कार चोर की वजह से नहीं बुलाया कमबख्तों, बल्कि तुम दोनों के लिए बुलाया। गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। लेकिन हम इन दोनों को गिरफ्तार नहीं कर सकते, इन दोनों ने जो कुछ भी किया अच्छे इरादे से किया, क्या इन्हें कुछ नहीं कह सकते? तो ठीक है, इनसे मैं खुद निपटूंगा। हवलदार ने तो तुम दोनों को छोड़ दिया, मैं नहीं छोड़ने वाला। जो नुकसान किया तो मैं वो भरना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास तो एक पाई भी नहीं जो हम तुम्हारा नुकसान भरें। इस बात की तुम चिंता मत करो, मुझे अपने पैसा वसूल करना आता है। आजकल पेट्रोल के दाम बड़े ऊंचे हैं, मेरे पास एक आइडिया है। फिर शाबाश, मेहनत करो, जल्दी मेरा नुकसान पूरा करो। कालू, अपनी किस्मत तो काली है, कार सेल्समैन की नौकरी भी रास ना आई। किस्मत में जब लिखा है धक्के, तो हम कैसे खाएंगे आम पके। शालू कालू और शिमला की सैर, संपादक प्रमिला जैन, कथानक एवं चित्रांकन इंदू फीचर्स। शालू कालू ने कंजूसी कर करके कुछ रुपया जमा किए और दोनों सर्दियों में शिमला की सैर को चल पड़े। हमारा स्टेशन आ गया शालू। अरे देख के चलो, अंधे हो क्या, दिखता नहीं क्या? इतना सारा तामझाम लिए तुम कहाँ जा रहे हो? हाय मेरा सिर तोड़ डाला रे। आहा, इसी का तो इंतज़ार था। बर्फ़ से ढकी घाटियों, पहाड़ों की ताज़ी हवा, सब शालू मज़ा आ जाएगा। हाय लेकिन शालू, यहाँ तो सब गड़बड़ लगती है। हाँ लोग तो नंगे घूम रहे हैं, जैसे शिमला ना होकर कहीं और हो। लगता है हम किसी गलत स्टेशन पर उतर गए, ये शिमला नहीं है। हाँ अब क्या करें, हम तो बर्फ़ पर स्की करने आए थे। और दोनों स्टेशन से बाहर आ गए। टैक्सी, हमें शिमला ले चलो जहाँ बर्फ़ हो। जल्दी ही वे शिमला पहुँच गए। आहा आखिरकार हम पहुँच ही गए, अब हम बर्फ़ पर स्की कर सकेंगे। तभी हाय मरा, अरे शालू की बच्ची में फिसला रे। तुम तो सड़क पर ही फिसल गए, स्केटिंग क्या खाक करोगे? दोनों स्केटिंग के लिए चल पड़े। शालू, तू मेरी स्केटिंग देखकर दंग रह जाएगी। अच्छा अभी पता चल जाएगा। ये जगह बढ़िया है, हम यहीं से स्केटिंग करेंगे। ताक आए मार डाला। जगह तो अच्छी है, अब इन कमबख्तों को कंधे से नीचे उतार दे। कालू तू ज़मीन पर लेटा है, क्या तू बड़ा थक गया है? दोनों स्केटिंग के लिए तैयार हुए। क्यों शालू, क्या तुमने पहले भी कभी स्केटिंग की है? नहीं ज़्यादा नहीं की, पहली बार कर रही हूँ इसलिए। आहा आखिरकार वो प्यारा छड़ा ही गया, अपनी छड़े कसकर पकड़ो। कालू तू मुझे बताएगा इसकी कैसे करते हैं? मुझे तो बिल्कुल नहीं पता। अचानक ही बचाओ, अरे शालू। हाँ देख के शालू, आगे पेड़ है, टकरा मत जाइयो।
मुझे पता कालू मैं क्या करूं। ओह मुझसे नहीं देखा जाता, मैं तो अपनी आंखें बंद कर लेता हूं। हाँ तो कालू बताना अब क्या करूं, मैं तो फिसलती जा रही हूं। बहुत बढ़िया बच गई, मैं उसे गाइड टू कर रहा था वरना वह फिर से टकरा जाती। रुक जा शालू। कैसे रुक जाऊं, क्या इसमें ब्रेक लगे हैं? ज़ूम, अरे बापरे बापरे, कितना तेज तूफान था, ठंडी की लहर दौड़ गई। क्या वो तूफान था? बेचारी शालू, बेचारी शालू आज मर जाएगी। कालू तू चुप क्यों है, बताना क्या करूं? अरे कमाल है, ये अभी तक जिंदा है। अब तू ऐसा कर, अपने आप को घुमाकर मोड़ ले। लेकिन उससे पहले ही, हाय कालू मैं गई समझी आज। ओ नहीं, हे भगवान, मुझसे नहीं देखा जाता। शा कालू पता क्या करूं, कैसे रोकूं? अपने आप को सीधी तरफ मोड़ शालू, सीधी तरफ मोड़। सीधी तरफ? कौन सी सीधी तरफ और कौन सी उल्टी? और शालू बर्फ से ढकी गुफा में धमाके जैसा समा गई, छपा सब कुछ खत्म हो गया, शालू मर गई। तभी शालू की आवाज़ आई, कालू एक परेशानी खड़ी हो गई है। और जब शालू बाहर आई, बाप रे इतना बड़ा भालू और शालू के पीछे खड़ा है। प्रिय जैसा कोट इस लड़की ने पहन रखा, मुझे भी ला दो ना वैसा कोट। अरे बाप रे, ये कोट नहीं जिंदा भालू है। अच्छा तो शालू यही है तेरी परेशानी, लेकिन ये तो तेरे साथ खुश है। शालू भालू कहाँ चला गया, क्या वह तुझे छोड़कर भाग गया? वह चला गया कालू, जानते हो क्यों? उसे मेरे से बेहतर स्केटिंग करने वाला मिल गया। वो उस भालू को स्केटिंग का शौक था। कमाल है, कमाल का भालू था, ज़रूर सर्कस में काम करता होगा पहले। आ शालू अब मैं तुझे स्केटिंग करना सिखाऊं। देख स्केटिंग करते समय पीछे नहीं देखना चाहिए। अच्छा तो कहाँ देखना चाहिए प्यारे कालू? चलने से पहले सीधे तनकर खड़े हो जाओ, पूरा ध्यान आगे लगाओ और देखो रास्ते में क्या क्या है, समझी? अब तुम देखना मैं तुम्हें स्केटिंग के कैसे कैसे मज़ेदार खेल दिखाता हूँ, तू दंग रह जाएगी। अपनी छड़ों को कसकर थामा और पैर मजबूती से जमाए और फिर इस तरह से आगे की तरफ बढ़े और भाप आए पेड़ से जा टकराए। बेचारा कालू, हाय तुझे सिखाने के चक्कर में खुद ही चक्कर खा गया मैं। अब क्या इरादा है, और स्केटिंग की जाए? नहीं आज के लिए काफ़ी है, अब वापस चला जाए। शालू कालू और दर्जी की दुकान, संपादक प्रमिला जैन, कथानक एवं चित्रांकन इंदू फीचर्स। शालू आज बड़ी खुश नज़र आ रही थी, गाते गाते वह झूम रही थी। मिल गया आज मुझको आइडिया। क्या बात है शालू, आज बड़ी चहक रही है। कालू आज मुझे एक शानदार आइडिया आया है, अब हमारी भुखमरी के दिन गए, हम दर्जी की दुकान खोलेंगे। कभी तेरे बाप दादाओं में से किसी ने दर्जी का काम किया जो तू करेगी? अरे जो बाप दादाओं ने नहीं किया वो हम करके दिखाएंगे, तब ठीक है। जल्दी ही शालू कालू की दुकान खुल गई, शालू कालू ट्रेलरिंग हाउस। मैं अपने इस पुराने सूट से परेशान आ गया हूँ, इसके बाजू छोटे हो गए हैं, पैंटें झड़ गई हैं, मुझे एक शानदार सूट की ज़रूरत है। आइए आइए, नमस्ते नमस्ते, कहिए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? मुझे एक नया सूट बनवाना, मैं चाहता हूँ मेरा नया सूट बेहद शानदार हो, मैंने जो सूट पहना है इससे अलग हो। चिंता मत करो सरकार, आप शालू कालू की दुकान पर आ पहुँचें, हम ऐसा सूट बना देंगे जिसे आप उल्टा भी पहन लें। हो, मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे कोई सूट नहीं बनवाना, अच्छा मैं चलता हूँ। तभी आए ये क्या खटा। चिंता मत करो साहब, हमारे ज़्यादातर कस्टमर भाग जाते हैं इसलिए हमने ये दरवाज़ा लगवाया है, आपका सूट हम वाकई बढ़िया बना के देंगे। अच्छा तो आप चाहते हैं कि नया सूट इससे अलग हो? जी हाँ, बिल्कुल यही बात है। ठीक है, हम आपको इससे ज़्यादा सख्त और भारी कपड़े में बना के देंगे। अरे ये क्या किया तुमने, ये लीजिए, यह रहा सबसे सख्त, सबसे भारी, सबसे शक्तिशाली कपड़ा जिससे हम आपका सूट बनाएंगे। जरा मेरी देख के, हाय मैं मरी। थाम, हाँ अब तुम्हारा क्या ख्याल है, पहले कभी इतना भारी और सख्त कपड़ा देखा है? नहीं वाकई नहीं देखा, ये तो संसार का सबसे भारी कपड़ा है, लेकिन मुझे बाहर तो निकालो। हाँ तो साहब ये तो पक्का हो गया ना कि सूट इसी कपड़े का बनेगा। हाँ लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज़्यादा ही सख्त है? ओह तुम इस बात पर ध्यान मत दो, दरअसल हमारी कैची खो गई है। ये लो कपड़ा कट गया, ये लीजिए साहब आपका आधा सूट बन गया। हाय राम आ मर गया। वाह तुम तो खुशी के मारे चिल्लाने लगे। उई माँ मर गया। अब मैडक की तरफ फदकना बंद करो, मुझे अपना नाप लेने दो। अरे ये नहीं पता लग रहा कि ये 9 है या 1। ठीक लंबाई है 48 इंच। अच्छा नहीं उधर देखो ये 30 इंच है। ओ कालू, ओ हाँ कालू ये साहब 30 इंच के हैं। बेवकूफ़ ये भी नाप लेने का कोई तरीका है? तू हट एक तरफ, अब लिखने को तैयार हो जा शालू। 22, 37, 43, 180, 3, 11, 16 नाप के बाद। वाह सारा नाप ले लिया, समझ लो आधा सूट तैयार हो गया।
बहुत बढ़िया, जब तक हम सूट तैयार करते हैं तुम यहाँ बैठो। लेकिन मुझे खोलो। अरे शालू की बच्ची सुइयाँ कहाँ हैं? तेरे पास ही तो थी। मैं सोच रहा था वो तेरे पास है, देख ले इधर उधर कहीं पड़ी होंगी। इसे क्या हुआ, ये क्यों चिल्लाया? ओह सुइयाँ इनके नीचे थी। धन्यवाद सर, अगर आप न चिल्लाते तो सुइयाँ ना मिलती। शालू काम शुरू करते हैं, जो किताब लाइब्रेरी से लाए थे निकाल देना। ये रही वो किताब कि 5 मिनट में सूट कैसे तैयार करें। हे भगवान बहुत हो गया। ले लीजिए जनाब, आपका खूबसूरत सूट तैयार है। हाँ जनाब, हाँ साहब, इसे पहनकर देखिए। ठीक, क्या आपको ये पसंद आया साहब? अंदर शीशा लगा है उसमें देखिए हुजूर। आई, अरे ये इतना क्यों चिल्ला रहा है? क्यों साहब, क्या आपको हमारा काम पसंद नहीं आया? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं, बस उसमें 1-2 फेर बदल करने होंगे। फिर इस बाईं बाह को देखो, ये शायद ये ज़्यादा लंबी है, दाईं छोटी है, क्यों है ना? ये तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं। आपकी बात ठीक है हुजूर, लेकिन आपको सूट पहनना आना चाहिए। अगर आप अपनी इस बाह को ऊंचा करो तो उसमें एक भी सलवट नहीं है। ये तो ठीक है, लेकिन अब जो यहाँ पर झोल पड़ रहा है उसका क्या? लेकिन जब आप थोड़ा नीचे झुकते हैं तो ये झोल गायब हो जाता है। आपको समझना चाहिए कि सूट कैसे पहना जाता है। तुम ठीक कहते हो, मैं तो पागल हूँ। लेकिन दोनों पाँव के पहुँचे तो अलग अलग दिखते हैं। अलग अलग दिखते क्या दिखते हैं? अलग अलग, हाँ बाजुएं तो अलग अलग हैं। अलग हैं, देखो साहब, ज़्यादा नुक्स मत निकालो वरना। हाँ हाँ तुम ठीक कहते हो, सूट बढ़िया बना। अच्छा मैं चलता हूँ बाद में। कितना बढ़िया सूट बना था, पूरे 1000 रुपये दे गया हमारा ग्राहक। अरे हमने सूट भी तो शानदार बनाकर दिया था, हमें हमेशा दुआएं देगा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं शालू कालू सीरीज़ की अगली कॉमिक्स, शालू कालू और मोटरसाइकिल की सैर में। तब तक के लिए धन्यवाद।